अरे रोहन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें एक कुर्सी ने मारा है। कैसा लगा? अबे मुझसे सिर्फ 6-7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8-9 साल की बच्ची का भूत खड़ा था। मैं पूरा सुन पड़ चुका था। तू पूछ रहा मुझे कैसा लगा? नहीं यार, उसने जब फूमा के लेटर पूछा उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को उस कनल के घर के बाहर पाया। हाँ ठीक है, मैं तुझसे मिलने थोड़े दिनों बाद आता हूँ। अगर उसने उस घर के अंदर जाने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा तो आखिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा? इस बात का तो पता लगा नहीं होगा। अरे वाह, तुम अभी तक जिंदा हो? वही तो मैं भी पता लगा नहीं आऊ कि आखिर उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, क्योंकि आज तक जो भी उस घर के अंदर गया है उन सभी के अंदर पैसों का लालच था। सिवाय तुम्हारे, इन्हीं पैसों के लालच में आकर उस भाई ने उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसने उस मेट को मार के अपना बदला तो ले लिया, तो आखिर उसे अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने सिर्फ उन्हीं से बदला लिया है जिसने उसके परिवार को मारा, मगर जिसने उसके परिवार को मरवाया वो अभी तक जिंदा है। मरवाया मतलब? मतलब कि किसी ने फोन कर उस भाई को कर्नल के परिवार को मारने के लिए कहा और बदले में वो उन्हें 25 लाख रुपए देने वाला था। क्या? मगर तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि उसने पहले मुझे फोन किया था मगर मैंने मना कर दिया। उसके बाद उसने उस भाई को फोन किया और वो मान गई। अच्छा, वो फोन वाला कौन था? पता नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया। जब तक वो उस फोन वाले को मार नहीं लेती उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। ठीक है। कौन है? अंदर आ जाओ। ओ कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं ठीक हूँ, तू बैठा, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। ये ले चाय। कैसी हुई है? मस्त है। अच्छा, उस कर्नल के घर का क्या हुआ? उस दिन कर्नल के घर से लौटने के बाद जब मैंने तुझसे बात करके फोन कट किया उसके बाद मेरे मन में क्वेश्चन आया कि आखिर उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। उसी बात का पता लगाने मैं वापस उस कर्नल के घर गया। गेट पे मुझे वो वॉचमैन मिल गया। उसने मुझे बताया कि मेरे अंदर पैसों का लालच न होने के कारण उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। फिर मैंने एक और चीज पूछी कि उसने उस मेट को मार के अपना बदला तो ले लिया तो आखिर उसे अभी तक मुक्ति भी नहीं मिली। फिर उसने मुझे बताया कि उसने सिर्फ उन्हीं से बदला लिया जिसने उसके परिवार को मारा, मगर जिसने उसके परिवार को मरवाया वो अभी तक जिंदा है। मरवाया मतलब? मतलब कि किसी ने फोन पर उस मेट को कर्नल के फैमिली को मारने के लिए 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जब तक वो उसे मार नहीं लेती उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। पता नहीं कौन है वो जिसने उसके परिवार को मरवाया। मैंने मरवाया उन्हें। क्या तू मजाक कर रहा है ना? नहीं,
पर क्यों? बचपन से मेरा करोड़पति बनने का सपना था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। फिर लास्ट में उपाय ना पाकर मैंने ये ब्रोकर का काम करना सही समझा, मगर इसमें जितना कमाता था वो खुद के लिए भी कम पड़ता था। इसी शहर का एक बिल्डर था, उसने एक मॉल बनाने के लिए कर्नल की कॉलोनी को चूज किया। उस कॉलोनी को खाली करवाने के लिए मुझे एज अ ब्रोकर चूज किया गया। मैंने कॉलोनी के बाकी लोगों को तो मना लिया, मगर वो साला कर्नल मान ही नहीं रहा था। फिर एक दिन उस बिल्डर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और कहने लगा कि तू कुछ भी कर उस कर्नल के घर को खाली करवा दे और बदले में मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे अपने करोड़पति बनने का सपना पूरा करने का एक रास्ता दिखा। मैं फिर से उस कर्नल के घर गया लास्ट टाइम, मगर साले बुड्ढे ने फिर से मना कर दिया। मैंने कहीं से उस वॉचमैन का नंबर निकाला और उसे डुप्लीकेट सिम से फोन कर कर्नल के परिवार को मारने के लिए कहा, मगर उसने मना कर दिया। फिर मैंने उस भाई को फोन किया और उसने कर्नल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मुझे लगा अब मेरी परेशानी सारी खत्म, मगर मैं गलत था, उल्टा परेशानी और बढ़ गई। उस बिल्डर ने उस घर को चेक करने के लिए काफी लोगों को वहां भेजा, मगर जो भी वहां गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद उस बिल्डर की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई और मेरा सपना फिर टूट गया। मगर कुछ दिनों पहले 3 से 4 बिल्डर्स ने मुझे उस साइट के लिए करोड़ों का ऑफर दिया, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं वहां पर आकर किसे भेजू ये पता लगाने की आखिर वहां पर है क्या। फिर मुझे तेरे बारे में याद आया और तूने पता लगा ही लिया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे थोड़ी देर और रुक जा, वो मुझे कुछ काम है। मैं काम करता हूँ, मैं तुझसे मिलने थोड़े दिनों बाद फिर आता हूँ, ठीक है? अच्छा चल ठीक है। जो सेना की फैमिली के साथ हुआ बहुत गलत था, मगर रोहन मेरा बचपन का दोस्त है, मगर सेना के साथ जो हुआ वो भी तो गलत था। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया पानी। अगर सेना की जगह मेरी बहन होती तो, मगर रोहन भी तो मेरा दोस्त है। अब बस एक ही रास्ते है। ये अचानक लगते सिटी को क्या हो गया? कौन है? अंदर आ जाओ। पता नहीं कौन था।
प्लीज मुझे को बचाओ, मेरी कोई मदद करो प्लीज, प्लीज मुझे को बचाओ, कोई प्लीज मुझे बचाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। और इसी तरह साइना ने रोहन को मारकर अपना बदला ले लिया और उसे मुक्ति मिल गई। तीन चार दिनों के बाद पुलिस को रोहन की डेड बॉडी उसी रोड पर मिली जहां पर साइना के दादाजी और माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था। विष्णु ने अपने पिछले जॉब को छोड़कर अपने लाइफ में घटी डरावने समय को किताबों का रूप देना शुरू कर दिया और वो एक जाना माना लेखक बन गया। पुलिस ने रोहन के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी मगर वो केस आज तक पेंडिंग है। आखिरकार मैंने अपने लाइफ के सबसे बड़े समय को एक किताब का रूप दे ही दिया।